हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 31 जुलाई 2021 के मैथ्स के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्जाम हुआ था। ऑफिशियल पेपर है ये दोस्तों आपका, जो कि आपको एग्जाम हाल फिलहाल में आंसर किया आया है। आप यदि अभी तक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। 75 सेट हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है दोस्तों, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 75 सेट किस में है दोस्तों, आपका हिंदी में है, ठीक है, 75 सेट हिंदी में है, और आपका जो 50 सेट है दोस्तों वो किस में, आपको इंग्लिश में, ठीक है। दोनों सेट उपलब्ध है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप वहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव लिंक का भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर यदि नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक बहुत कम आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हरी की आयु मधु की आय से, हरी की आय मधु की आय से 20% अधिक है तो मधु की आय हरी की आय से कितने प्रतिशत कम होगा दोस्तों। अब देखिए, एक क्या आपको हरी है, दूसरा कौन आपको मधु है, ठीक है। यहाँ बोला हरी क्या मधु की आय से 20% अधिक है, तो मधु की आय से इसका 20% क्या आपको अधिक है, देखो 20 हो जाएगा। दोनों का गैप देखिए कितना दोस्तों, आपका 20 का है, ये रुपया हम यदि लेंगे तो ये 20 रुपया अधिक हो, ये 20 रुपया कम होगा, लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होगा। जिसमें आपका से लगा होगा उसमें आपको नीचे कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है कितना दोस्तों, प्रतिशत कमी पूछ रहा है ना, तो से किस में लगा हुआ दोस्तों, हरी में लगा हुआ, तो हरी को नीचे भेज दीजिए, 120 हो जाएगा दोस्तों। और कमी कितना आपको 20 का हो गया, और 100 से इसको गुना कर दीजिए और परसेंटेज यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया ऐसे कट गया, ये 2 6 12 हो गया, 3 3 9 हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो 50/3 मतलब 16.2/3% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक धनराशि से एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। जो गुणात्मक रिलेशन होगा दोस्तों उसको आप लिखिए। ये पहला क्या था, दोगुना हो जाता जाना कितना, 8 गुना में। देखिए 2 से कितना जाना आपको, 8 गुना में है, तो 2 पे आप कितना पावर रखेंगे, 8 हो जाएगा। पावर कितना रखना होगा आपको, 3 रखना होगा। इसी पावर को समय से गुना कर दीजिए दोस्तों, पावर को आप टाइम से गुना कर दीजिए, आपका समय निकल जाएगा। पावर 3 × 15 कितना हो जाएगा आपको, 45 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 5 मानों का प्रदर्शन वेरियंस ऑफ 0.64 है तो उनका मानक विचलन कितना होगा। तो मानक विचलन का जो फॉर्मूला आपका लिखाया हुआ है, मानक विचलन बराबर रूट अंडर कितना हो दोस्तों, प्रेशर होता है, रूट अंडर कितना होता है आपको, प्रेशर होता है। तो देखिए दोस्तों, मैथमेटिका ब्लॉक का कंप्लीट वीडियो आपको हमने अपलोड कर दिया है, नहीं देखें तो आप देख लीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको, 0.64 हो जाएगा, तो 8/ कितना हो जाएगा आपको, 10 हो जाएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा आपको कितना, 0.8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई जानकारी के ध्यानपूर्वक प्रयोग प्रश्न को उत्तर दीजिए। एक कार्यालय में कितना कर्मचारी, 200 कर्मचारी है, जिनमें से 130 कर्मचारी के पास डेस्कटॉप है और 100 के पास लैपटॉप है तथा 60 के पास दोनों है, तो आपको पूछा गया लैपटॉप, तो लैपटॉप वाले का कितना होगा दोस्तों। तो लैपटॉप के पास टोटली कितना आपको, 100 है, दोनों कितना है? घटा दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा आपको, 40 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार घिरे हुए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, तीनों वृत्तों के घिरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। देखिए इस प्रकार आपका वृत्त रहता है, आपको ये वृत्त हो गया, आपका ये वृत्त हो गया, और ये आपका ये वृत्त हो गया, ठीक है। ये भाग आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए कि सबका त्रिज्या कितना दिया हुआ, सेम दिया हुआ, सभी का त्रिज्या कितना होगा आपको, सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 3.5, ये भी कितना हो गया 3.5, ये भी 3.5 हो गया, ये भी 3.5 हो गया दोस्तों, ये भी 3.5 हो गया, ये भी आपका 3.5 हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका संभाव त्रिभुज बन जाएगा, संभाव त्रिभुज में से कई को त्रिज्यखंड है, 1 2 3 को त्रिज्यखंड को घटाना होगा, ठीक है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, हम पहले निकालने के लिए बता देते हैं, इतना निकालने का जरूरत नहीं है दोस्तों, उतना याद रखिएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, तो समबाहु त्रिभुज बनेगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से आपको क्या करना, आपको 3 को त्रिज्यखंड को घटाना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटाना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करना आपको, घटाना, ठीक है। तो
अब संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, रूट थ्री बाई फोर इंटू भुजा स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है आपको, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बटे कितना हो गया आपको 360 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मान के चलिए आर ही मान लेते हैं अभी फिलहाल, ये पूरा पूरा आर ही मान लेते हैं, ठीक है, पूरा आर हो गया, ये आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री इंटू पाई, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ही मान लेते हैं अभी चूँकि, ठीक है आपका, ठीक है चूँकि आपका ये क्या हो गया दोस्तों टू आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको टू आर का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ से यहाँ आर होगा तो ये भी आर होगा, तो मतलब फाइनली ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका टू आर हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा टू आर हो जाएगा, तो ये भी भुजा कितना हो जाएगा टू आर हो जाएगा, त्रिज्या कितना आर ही है, थीटा कितना हो जाएगा, संभाव त्रिभुज के प्रत्येक भुजा कितना होता है 60 होता है, ये 360 हो गया नीचे, ये जितना हो गया छः बार में कट गया, ये कितना हो गया दोस्तों आपको रूट थ्री बाय फोर इंटू दो दूनी चार आर स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया आपको, अब देखिए छः बार में कटाइए तीन दूनी कितना हो गया छः हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया पाई बाय टू हो गया दोस्तों, ये चार चार कट गया, तो फाइनली क्या बचा दोस्तों यहाँ पे रूट थ्री आर स्क्वायर माइनस कितना हो गया पाई बाय टू बच गया, ठीक है, माइनस कितना हो गया पाई बाय टू बच गया, यहाँ पे आर स्क्वायर छूट गया, ठीक है आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आपका कितना हो गया आपको आर स्क्वायर हो गया, रूट थ्री का मान बोला वहाँ पे आप रखेंगे 1.732 और 22 बटे कितना हो गया आपको 14 हो जाएगा, ठीक है 22 बटे 14 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर आएगा आपका ये आ जाएगा आपको 0.161 आ जाएगा, ठीक है। तो आर का मान आपका 35 है, तो 35 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 25, 12.25 इंटू 0.161 करेंगे, ये लगभग 1.97 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। तो फाइनली इस प्रकार जब क्वेश्चन हो दोस्तों आप ये इतना तो भूलिए याद रखिएगा दोस्तों, ये बोला याद रखिएगा दोस्तों आर स्क्वायर इंटू 0.161 होता है जब आपका तीन वृत्त समान त्रिज्या से घिरा हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण और शेखर के पास कुछ धनराशियां हैं, यदि अरुण शेखर को 30 रुपये देता है तो शेखर के पास, अरुण के पास देखिए दो को आपका, एक अरुण है आपको क्या है आपको शेखर है, तो यदि अरुण शेखर को 30 देता है, ये यदि इसको 30 देता है तो अरुण के पास बनी बची धनराशि से दोगुनी धनराशि हो जाती है, ये क्या हो जाता है आपको दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है, उस ऑप्शन से चेक कर लेते हैं दोस्तों, बढ़िया रहेगा। यदि इसको हम 30 देते हैं दोस्तों यहाँ कितना बचेगा, ये यदि हम 30 देते बचेगा यहाँ कितना 4, ठीक है, क्या इस 4 बचेगा और यहाँ पे 30 जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, मान कर चलिए 30 इधर दिया तो बचा कितना दोस्तों आपको यहाँ पे आपका 4 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि 4 बचेगा तो ये 30 तो दोगुना तो नहीं है, नहीं हो जाएगा। अब 30 इधर देते हैं दोस्तों, ठीक है, 30 जैसे ही इधर देंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा दोस्तों आपको कितना 64, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे कितना आपको 32 बचेगा, अब देखिए इधर 32 बताइए 64 बचा, यदि हम इसको 30 दिए थे ये 60, 62 और 34 वाला में, तो ये 32 × 64 हो गया, मतलब आपको क्या फुलफिल कर रहा है जब ये इसको 30 देता ये क्या होता है दोगुना हो जाता है, तो ये देखिए ये फुलफिल कर रहा है। तो हम दूसरा भी क्वेश्चन पुट करके देख लेते हैं, आपको ये 62 था ये कितना था आपको 34 था, ठीक है ना। यदि शेखर अरुण को यदि ये इसको 10 टका देता है तो ये 10 टका देगा कितना हो गया 72 हो गया, तो बचेगा इसके पास कितना हो गया 24 बचेगा, और बोला कि ये अरुण है तिगुना हो जाता है 24 या 72, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 6 मीटर है, 75 पैसे प्रति मीटर की दर से इसकी दीवार और तली पर, दीवार और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर कराने की लागत क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे इसकी दीवार और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर करने पर, मतलब आपका जो आपका है तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया और नीचे हो गया, ठीक है, तो चार दीवारी का क्षेत्रफल प्लस नीचे का क्षेत्रफल को जोड़ के जो खर्च होगा वो होगा, चूँकि ऊपर का नहीं लेना है, ठीक है, छत वाले को नहीं लेना है। तो पहले चार दीवारी का क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, तो नीचे का ये हो गया लंबाई, ये हो गया आपको ऊंचाई, ये हो गया आपको चौड़ाई, तो दो क्षेत्रफल निकलेगा, एक 2 × L + B × H, ये चार दीवारी का क्षेत्रफल हो गया और प्लस L × B हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, L + B कितना हो जाएगा आपको 25 + 12 इंटू कितना हो गया आपको 6 हो गया, प्लस 25 गुना कितना हो गया आपको 12 हो गया, तो ये 25 12 कितना हो गया
37 हो गया, 37 दूने कितना हो गया 74, गुना 6 हो गया प्लस ये कितना हो गया 12, 5 60 हो गया, 12 दूने 24, 6 30 हो गया, ठीक है। ये कितना होगा, 6 चौके 24 हो गया, 6 सत्तर 42, 42 दो कितना हो गया 44, 300 कितना हो गया दोस्तों आपको 4 4, अब 744 हो गया, ठीक है। 744 आपका एरिया निकलेगा। आप देखिए इसको क्या करना होगा, प्रति पैसे प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसको 75 से गुना कर दीजिए, 100 से भागा देंगे आपको रुपया में चेंज होगा, ये हो गया 25 या 75, 25 जो है 100 हो गया, इसको काट दीजिए, 4 का 4, 4 8 32 हो गया, 2 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, गुना करेंगे दोस्तों 6 3 18, 8 3 24, 1 25 हो गया, 4 का 4, 1 5, 558 रुपये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 558 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40.60 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो सीपी पूछ रहा दोस्तों कितना होगा, तो 40.60 × 100, अब बट्टा कितना हो गया दोस्तों आपको 116 हो गया, ठीक है। ये दशमलव उड़ा देंगे, नीचे कितना जाएगा आपको 100 आ जाएगा, 100 कट गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 4 बार में कटेगा ये 10, ये हो गया 15, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार फिर से काटते हैं, 4 का 4 2 8 हो गया, 4 9 36 हो गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये आपको 29 जो कटेगा दोस्तों, ये कितना बार में कटेगा, 1015 को यदि हम 29 से भागा देंगे दोस्तों, ये आपका लगभग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर 15, 20, 30 और 35 शेष बचता है। तो सबसे पहले दोस्तों 20 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, शेष कितना बच रहा है 15, ठीक है, 20 हो गया, 30 हो गया और 35 बच रहा है, ठीक है। ये सबका देखिए समान अंतर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों 5, 5, 5 आ रहा है। तो इस 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों, 20 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 से काट देते हैं दोस्तों, 5 20 25 25, 5 7 35, 15 8 40, ठीक है। 2 से कटेगा दोस्तों, 2 2 4 5 हो गया, 7 हो गया, 2 6 8 हो गया, फिर 2 से कटेगा दोस्तों, 2 2 5 हो गया, 7 हो गया, 2 3 4 हो गया, गुना कर लीजिए दोस्तों, 5 2 10 2 20 20 25 100 हो गया, 100 इधर हो गया, 7 2 1400 हो गया, तो 1400 ये हो गया, माइनस 5 कर देंगे कितना हो गया दोस्तों 1395 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ए मैन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट पी इज वॉचिंग द टॉप ऑफ ए टावर एस विच मेक्स एन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द मैंस आई, द मैन वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर टू वॉच इट्स टॉप एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन बिकम्स 45 डिग्री, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट पी। तो चलिए दोस्तों आपका एक फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट पी, ठीक है। यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ से टावर को देखता है, ये आपका कितना डिग्री बन रहा है एलिवेशन 30 डिग्री का, जैसे ही ये 20 मीटर आगे घसकता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ यहाँ आने में इसको 20 मीटर घसकता है, ये एंगल आपका एलिवेशन कितना होता है 45 डिग्री। तो ये जो पूछा है दोस्तों इस पॉइंट से लेकर मतलब ए हो गया, ये बी हो गया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की दूरी कितना होगा, तो हमको ये दूरी निकालना होगा, मान के लिए एक्स लेते हैं, ये एच मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल आपका बड़ा वाला एंगल लेते हैं ए बी क्यू पी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी पी में लेंगे दोस्तों, 10 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा एच बटे कितना हो जाएगा आपको एक्स प्लस 20 हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर कितना हो गया एच, एच बटे कितना हो गया आपको एक्स प्लस 20 हो गया, ठीक है। तो एच का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एच का जो मान होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 20/√3 कितना हो गया आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब त्रिभुज हम ले लेते हैं छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी यहाँ मान लेते हैं डी, ठीक है, ये डी ए बी डी में, तो यहाँ पे 10h बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, मतलब 10 60 डिग्री, 10 45 डिग्री है, तो कितना होगा h बट्टे एक्स हो जाएगा, ठीक है, h बट्टे कितना हो जाएगा आपको x हो जाएगा, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ये h बराबर कितना होगा आपको x हो गया, तो इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, तो इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 20/√3 कितना आपको 3 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा आपको एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों एक्स, ये हो जाएगा आपको एक्स प्लस 20 बराबर कितना हो गया आपको 3 एक्स हो गया, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा एक्स, इधर रहेगा तो √ आपको एक्स को मान लीजिए कितना होगा 3 - 1 हो जाएगा,
एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 बटे रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा। इसका परिमेयकरण करेंगे तो 20 रूट थ्री प्लस वन बटे कितना हो जाएगा आपको, दो हो जाएगा। तो रूट थ्री का मान आपका दिया हुआ है, ये कटेगा 10 हो गया, गुणा कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 1.732 प्लस वन, ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 2.732 इंटू 10, मतलब फाइनली कितना हो गया 27.32। तो 27.32 तो ये यहाँ तक का दूरी हो गया, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल आपका दूरी हो जाएगा आपको 20 प्लस आपका कितना हो गया 27.32, मतलब 47.32 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। दी गई परिमेय संख्या का आरोही क्रम में लिखिए, तो नेगेटिव में है तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। माइनस कितना हो गया 7/10 हो गया, फिर कितना आपको माइनस 5/ कितना हो गया 8 हो गया, फिर माइनस 2/3 हो गया। ये दोनों का अंतर लीजिए दोस्तों, 7 और 10 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा, 3 से भगा दीजिए 7 में कितना होगा, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 2.6 आएगा, माइनस 2.6 हो गया, इसका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आएगा, ठीक है। जैसे ही 3 आएगा ये आपका माइनस 1.6 एट लाएगा, ये दोनों का अंतर लीजिएगा दोस्तों कितना आएगा, ये हो गया माइनस 2। तो इसमें जो बड़ा वैल्यू होगा वो छोटा हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपको आरोही क्रम में बोल रहा था, आरोही क्रम में सबसे बड़ा आपको तो यही है, इसका मतलब ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बाद कौन है दोस्तों आपका, ये है सबसे बड़ा, ठीक है, ये बड़ा है, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 2/3 हो जाएगा, उसके बाद ये आपका सबसे छोटा, ये सबसे आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आरोही क्रम मतलब क्या होगा आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, के का वायमान ज्ञात कीजिए, इसके लिए समीकरण 2x + के वाई बराबर 11 और उसके बाद का आपको 5x - 7y = 5 का कोई हल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा a1 / a2 = b1 / b2 करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, a1 ये हो जाएगा और a2 ये हो जाएगा, b1 आपका कौन हो जाएगा, k हो जाएगा, और b2 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको -7 हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं दोस्तों, 2/5 हो गया और k बटे कितना हो गया, -7 हो गया दोस्तों, तो k बराबर कितना हो गया, -14/ कितना होगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका भी मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया हुआ आपको लीनियर इक्वेशन का, नहीं देखें तो अभी तक आप जरूर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 2 लाल 3 हरी 3 नीली गेंदे हैं, उनमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदे निकाली जाती है, तो टोटल गेंद कितना, 3 × 2 = 5, 2 = 7 हो गया, ठीक है। और कितना गेंद निकालना आपको, 2 निकालना, मतलब टोटल जो इवेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल केस जो हमारा होगा, टोटल केस जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा आपको, 7c³ हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपको, 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये हो गया 7 × 6 है, आपको यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपको 2, ये हो गया 2 × 3 = 6 कितना हो गया, 7 × 3 = 21, टोटल आपका केस कितना हो गया आपको, 21 हो गया, ठीक है। ये शॉर्टकट है दोस्तों, ये शॉर्टकट हम बनाए हैं। उसके बाद आते हैं कि आपका फेवरेबल केस कितना होता है इसमें, फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल केस कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर फेवरेबल केस कितना हो जाएगा दोस्तों, 5c² हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपको, 5c² हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 5c² क्यों होगा, तो देखिए 2 लाल 2 हरी, तो 2 नीली गेंदे का पूछ रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपका 2 गेंद ही है, ये वाला नीला वाला, ठीक है। तो ये 5c² हो गया, तो ये फैक्टोरियल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 5 में से 2 घटाते हैं तो आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेगा दोस्तों, कितना हो गया, 5 × 4, और नीचे कितना हो जाएगा आपको, 2 से काट दिया, 2 × 4 = 5, 5 × 2 = कितना हो गया आपको, 10 हो गया। तो आपका 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 जो पूछा है दोस्तों, क्या पूछा आपको, ठीक है, नीली ना होने की प्रायिकता, तो अब नीली नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाए, नीली नहीं, ठीक है, नीली नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, ये आपका हो जाएगा आपको 10/ कितना हो गया आपको, 21 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल इवेंट हो गया, अब ये फेवरेबल केस ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, ऊपर में हो जाता आपको टोटल टोटल फेवरेबल केस, और नीचे हो जाता आपको टोटल इवेंट होता है, ठीक है, 10/21 आपका देखिए कहाँ पर, ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 10θ वा कितना, √3 + 1/2, तो 2√3 cos θ + 1 का मान कितना होगा, तो आपका यदि 10θ इतना है तो cos θ कितना हो जाएगा आपको, 2/ कितना हो जाएगा आपको, √3 + 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2√3 × cot θ का मान कितना है आपको, 2/ कितना होगा आपको, √3 + 1, ठीक है, प्लस 1 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों,
ये कितना हो गया, दो दुनी चार, रूट थ्री बटे कितना हो गया आपको, रूट थ्री प्लस वन हो गया, ठीक है। चलिए एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपका, ये एलसीएम आ जाएगा आपको फोर रूट थ्री प्लस वन आ जाएगा, ये हो गया चार रूट थ्री, अब प्लस कितना हो जाएगा आपको रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया, चार एक पाँच रूट थ्री प्लस वन बट्टे कितना हो गया दोस्तों, रूट थ्री प्लस वन। आपका कहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, यही देखिए क्वेश्चन क्या कि 54.542 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी टू ए माइनस बी, इसको कर देते हैं तो ए प्लस बी कर देते हैं दोस्तों, कितना हो गया आठ दो दस हो गया, ए प्लस बी कर लेते हैं पाँच चार नौ एक दस हो गया, चार पाँच चार नौ एक दस हो गया, ठीक है, पाँच चार नौ एक दस हो गया, पाँच चार नौ एक सौ हो गया, ये आपका एक सौ हो गया। तो अब घटाएंगे दोस्तों, तो घटाएंगे दोस्तों दो में से आठ गया कितना हो गया आपको चार हो गया, ठीक है, यहाँ बचा आपको तीन, तीन में से पाँच घटेगा कितना हो जाएगा दोस्तों आठ पाँच तेरह हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों आपका चार, चार में से चार, चार में चार घटेगा कितना हो जाएगा आपको जीरो हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है, नौ हो जाएगा यहाँ पे नाइन पॉइंट, यहाँ पर आप नीचे देखिए, नीचे यदि इसको घटाएंगे दोस्तों आठ में से चार गया कितना हो गया आपको चार हो गया, तीन में से आपको पाँच घटेगा कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा, सात में से छः घटेगा कितना हो जाएगा आपको सात नहीं यहाँ छः बचेगा जीरो हो जाएगा पॉइंट नाइन, ये दोनों कट गया बचा आपको सौ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सत्रह और 520 के बीच आने वाले उन सभी संख्याओं का योग के ज्ञात कीजिए जो छः से विभाज्य है। तो 17 और 520 के बीच में पहला संख्या कौन होगा आपको 18 होगा, फिर आपके बाद क्या होगा 6 चौक 24 हो जाएगा, 520 से पहले 516 होगा दोस्तों, ठीक है 516 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया कटने वाला संख्या होगा। तो यहाँ से दो फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, एक आपको एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों एन बाई टू इंटू क्या होता है आपको टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है आपको डी होता है, ठीक है। यहाँ से हमको क्या निकालेंगे दोस्तों आपका, यहाँ से आपका ये निकलेगा, ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों, ये आपका सम का फॉर्मूला है, लेकिन हमको यहाँ पे आपको एन पता नहीं है, तो एन के लिए आपको क्या करना होगा टी एन बराबर होता है आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो यहाँ से आपको चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से आपका क्या निकलेगा दोस्तों एन का मान निकाल लेते हैं, तो एन टी एन मतलब हो गया लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दोस्तों आपको 516 है, ए आपका कितना है दोस्तों आपको 18 है प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो गया डी, कॉमन डिफरेंस आपका 6 का हो गया, अब इसको घटा दीजिए 6 में से 8 घटेगा कितना हो गया दोस्तों आठ हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको नौ चार सौ अट्ठानवे हो गया, छः से भागा लगेगा दोस्तों, ये छः से भागा लगेगा एन माइनस वन इंटू सिक्स हो गया, ठीक है, ये छः से भागा हो गया छः अठारतालीस छः तीन अठारह, एन का मान कितना हो गया दोस्तों आपको चौरासी हो गया, एन का मान कितना हो गया आपको चौरासी हो गया, अब इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो एस एन बराबर एन बाई टू मतलब चौरासी बटे कितना हो गया दो हो गया प्लस टू इंटू ए, तो टू इंटू ए अठारह हो गया प्लस एन माइनस वन कितना हो गया आपको चौरासी माइनस आपका वन इंटू छः हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो गया दो चौक आठ दो दूनी चार हो गया अठारह दूनी छत्तीस हो गया प्लस चौरासी में से एक हो गया तेरासी गुना आपको छः हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया बयालीस हो गया, छत्तीस प्लस छः थ्री अट्ठारह आठ छः का अड़तालीस एक उनचास हो गया, कितना हो गया आपको ये हो गया बयालीस गुना इसको जोड़ दीजिए आठ छः कितना हो गया चौदह हो गया नौ तीन बारह एक तेरह हो गया पाँच सौ चौंतीस हो गया, अब इसको गुना कर लीजिए दोस्तों कितना हो, ये आपको आ जाएगा कितना 22428, 22428 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि ये हो गया चार तीन बारह एक तेरह बटे कितना हो गया दोस्तों आपको चार हो गया, ठीक है, माइनस कितना हो गया आपको चार बट्टे पाँच अगुना पाँच बट्टे छः, ठीक है, ये पाँच पाँच कट गया दो दूनी चार हो गया तीन हो गया, तो आपका दो बट्टे तीन हो गया, ठीक है, ये हो गया तेरह बट्टे चार माइनस दो बट्टे तीन ये बारह हो गया, ठीक है, तो बारह हो गया, तो यहाँ पे एलसीएम का कितना हो गया बारह हो गया, चार तेरह तीन उनचालीस हो गया माइनस चार दुनी आठ हो गया, ठीक है, तो इकतीस बट्टे कितना हो गया दोस्तों आपको बारह हो गया, तो ये वाला पार्ट आपका कितना हो गया इकतीस बट्टे बारह हो गया, ठीक है, अब नीचे आते हैं, ठीक, माइनस कर लेते हैं इसको, माइनस वाला भी कर लेंगे, ये हो गया चार तीन बारह एक तेरह बट्टे कितना हो गया दोस्तों आपको तीन हो गया, भागा ऊपर चल जाएगा पाँच बट्टे एक हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब देखिए तीन बट्टे दस ये तीन बट्टे दस हो गया दोस्तों प्लस इक्कीस पंच एक सौ छः बट्टे कितना हो गया आपको पाँच हो जाएगा, ठीक है, अब माइनस कितना हो जाएगा तीन दूनी पाँच बट्टे तीन अगुना तीन बट्टे दो, तो तीन तीन कर गया पाँच बट्टे दो इधर बचा, अब चलिए इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, ऊपर में कितना हो गया इकतीस बट्टे बारह हो गया
नीचे देखिए कितना हो जाएगा आपको, 13 5 65 बटे कितना हो गया आपको, 3 हो गया, 65 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। माइनस आपका यहाँ पे देखिए कि एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपको, 10 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, ये हो गया 3 हो गया 5, 212 ठीक है, कितना हो गया 212 हो गया, माइनस कितना हो गया 5/2 हो गया, तो ऊपर में कितना हो गया 31/12 हो गया, और नीचे कितना हो गया दोस्तों 65/3, अब माइनस ये हो गया 215, 215 बटे कितना हो गया आपको 10 हो गया ठीक है, अब माइनस कितना हो गया 5/2 हो गया था। इधर आप लिख लेते हैं दोस्तों 31/2 कितना हो गया, ऊपर में 12 हो गया, नीचे अब देखिए एलसीएम कितना आएगा आपको 30 आएगा, ये हो गया आपको 30 आ जाएगा ठीक है, 3 × 30 तो ये हो गया 650 हो गया, यहाँ पे माइनस 10 × 30 ये हो गया आपका कितना हो गया 215, 15 × 45, 3 × 2 645 हो गया, माइनस कितना हो गया 5/2 हो गया। अब देखिए ये हो गया 31/2 कितना हो गया 12 हो गया दोस्तों, 31/2 कितना हो गया 12 हो गया, 31/12 और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 650 में 45, 645 घटेगा 5/2 कितना हो गया आपको 30 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो गया ठीक है, ये आपको कट जाएगा 5 × 31 1/6 हो जाएगा। अब कितना हो गया 31/12 गुना 6 ठीक है, अब माइनस 5/2 तो ये 6 × 2 कितना हो गया 12 हो गया, 31/2 माइनस 5/2 तो घटा देंगे कितना हो गया 26/2 आपका आंसर, मतलब 13 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। कहता कि एक आदमी पैदल किसी स्थान तक जाने और गाड़ी से उस स्थान तक वापस आने में 5 आवर 45 मिनट का समय लगता है, यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता है तो उसे 2 आवर कम समय लगता है, यदि दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे यात्रा में कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए क्या है कि पैदल और गाड़ी जाने में कितना समय लगता है आपको 5 घंटा 45 मिनट, तो 5 घंटा 45 का मतलब हो गया मिनट में बदलेंगे कितना हो गया 6 × 5 = 345 मिनट हो जाएगा, 345 मिनट हो जाएगा। यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता है मतलब G+G से जाता है तो 2 घंटा कम समय लगता है, इसका मतलब 2 घंटा कम समय का मतलब हो गया आपको 3 घंटा 45 मिनट, मतलब आपको 225 मिनट हो गया ठीक है, या फिर 2G का मान कितना हो गया 225 हो जाएगा और G का मान कितना हो गया 225/2 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, जी का मान P+225/2 बराबर कितना हो गया 345 हो गया, पी का मान कितना होगा 345 − 225/2 कितना हो गया 2 हो गया, एलसीएम आएगा 2, ये हो गया 5 × 2 = 10 हो गया, 4 × 2 = 8 = 9 हो गया, 3 × 6 = 1 कितना हो गया आपको 3 × 6 − 225 हो गया ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं दोस्तों, ये 10 में से हो गया 5 हो गया, यहाँ बचा 8 में से 2 हो गया कितना हो गया 6 बचा ठीक है, यहाँ पे बचा आपका कितना 6 में से हो गया 465/2 हो गया। अब देखिए एक साइड आपको पैदल जाता था कितना 465/2 लगता है, तो P+P मतलब दोनों तरफ पैदल जाएगा तो कितना लगेगा 465/2 गुना 2 कर देंगे, ये आपको 465 मिनट हो जाएगा ठीक है, आपको आप 60 से भगा दे दीजिए 465 में भगा देंगे कितना हो गया 6 × 7 = 42 ये हो गया 5 × 6 = 2 = 4 मतलब 7 घंटा 45 मिनट आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, तो पहले वाला जो समय होगा दोस्तों, पहले वाला जो आपका समय होगा ठीक है, उसमें क्या करना है आपको ठीक है, कम समय लगता हो, माइनस कब करेंगे आपको ज़्यादा लगता हो ठीक है। अब देखिए तो पहले वाला समय कितना आपको 5 आवर 45 मिनट है, 5 आवर कितना दोस्तों 45 मिनट है। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 घंटा कम लग रहा है, जितना कम लगेगा ठीक है उसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 घंटा आपको क्या लग रहा है कम लग रहा है तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, या और 5 × 2 = 7 आवर आपको 45 मिनट, ज़्यादा होगा तो घटा देंगे, कम होगा तो जोड़ देंगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु के 448 में बेचने वाली हानि के बराबर है, तो 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब सीपी निकालना हो, जब ये लाभ और हानि बराबर हो तो दोनों का आपको जोड़ के विक्रय मूल्य को जोड़ के आपको क्या करना है 2 से भागा दे देना है ठीक है, इसको जोड़ेंगे जाएगा 1280 आएगा, बटे कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया आपको 640 हो गया ठीक है, कितना हो गया 640 हो गया, तो SP पूछा कितना हो गया 640 × 150 बटे कितना आपको 100 हो जाएगा ठीक है, तो ये तो दोनों कट जाएगा आपको दोस्तों, कितना हो गया 1560 1560 × 90 96 ठीक है, 960 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मिश्रण के 85 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है, उसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए कि ताकि नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए।
तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 27 गुना 85 बटे कितना हो गया 34 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 17 दूनी 34 17 5 कितना हो गया आपको 85 हो गया। इसको काटेंगे दोस्तों ये आपको 67.5 कितना जाएगा 5 आएगा। तो पानी कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 85 में 67.5 घटा देंगे तो ये 17.5 कितना जाएगा 5 आएगा। तो आप लिख सकते हैं 17.5 बटे 17.5 प्लस एक्स को पानी जोड़ना है तो अनुपात कितना हो गया दोस्तों आपका 3:1 हो गया। दोनों को क्रॉस गुना कीजिए दोस्तों, ये हो गया 67.5। 17.5 को 3 से गुना करेंगे दोस्तों ये आपका आपका आएगा 52.5 आ जाएगा, 52.5 आएगा प्लस कितना हो गया 3x। अब ये दोनों को घटा दीजिए, जैसे दोनों को घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा अब ये 15 आएगा। तो 15 कितना हो गया 3x हो गया, x का मान कितना हो गया 5 लीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए 10.8 28.8 और 36 का HCF कितना होगा दोस्तों, ये हो गया 10.8 उसके बाद क्या 28.8 उसके बाद क्या आपको 36 है। तो दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितना है आपको यहाँ पे आपको देखिए एक है तो सभी जगह एक आपको फुलफिल कर लेना है। ठीक है, 28.8 यहाँ पे आपको 36.0 हो गया, तो ये हो गया 108 हो गया, ये कितना होगा 288 हो गया, ये कितना हो गया आपको 360 हो गया। ठीक है, अब देखिए भागा दे दीजिए, ऐसा संख्या ढूंढिए जो कि तीनों को भाग देंगे। 12 9 108 हो गया, 12 2 24 हो गया। ठीक है, 12 4 48 हो गया, 12 3 36 हो गया। ठीक है, 3 से कटेगा सब, 3 3 9 हो गया, 3 8 24 हो गया, 3 9 30 हो गया। अब नहीं कटेगा किसी से तो ये वाला पार्ट आपका HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया आपको 36 हो गया, लेकिन कितना अंक के बाद एक अंक के बाद बैठाना है। तो 3.6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 3.6 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक दूध वाला 6.40 प्रति लीटर की भाव से दूध खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और मिश्रण 8 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचता है, इस प्रकार वह 37.5% का लाभ कमाता है। जो दूध ग्राहक को प्राप्त हो उसमें से पानी का और दूध का अनुपात कितना होगा। देखिए पानी का 0 ले लेते हैं और ये 6.40 प्रति लीटर से बेचता है। अब यहाँ पे जो होगा दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया विक्रय मूल्य दिया हुआ, यहाँ से आपको क्रय मूल्य निकालना होगा दोस्तों 8 प्रति लीटर के भाव से बेचता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीपी निकालना होगा, तो 8 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 137.50 हो जाएगा। ठीक है, 137.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, इसको काट लेते हैं दोस्तों, ये हो गया 5 दुनी 10 हो गया दोस्तों। ठीक है, 5 7 35 5 25 हो गया, ये आपको 20 5 100 200 हो गया। फिर काटेंगे 5 से, ये कितना हो गया 5 25 5 25, ये 40 5 120, ये 11 5 55 हो गया दोस्तों, 8 5 40 हो गया। ठीक है, 8 64 कितना हो गया आपको 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपको 64 कितना हो गया आपको 11 हो गया। इसको भी भिन्न में बदल लेते हैं दोस्तों, ये 0 हो गया, ये हो गया आपको 5 दूनी 10 हो गया, 32 दूनी 64 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया 0 हो गया, 32/5 हो गया और ये कितना हो गया आपको 64/11 हो गया। तो 11/5 जो हर का LCM ले लीजिए दोस्तों 55 आएगा, इसमें भी 55 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 55 से गुना कर दीजिए, तो 11/5 55 हो गया, 11/5 55 हो गया। ठीक है, आप गुना कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 2 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको 352 हो गया, इसको गुना करेंगे 5 4 20 6 5 30 320 हो जाएगा। अब ये दोनों को घटा के आपको क्रॉस घटा के लिखना था, इसको घटा के इधर लिखेंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिखेंगे, 352 320 घटेगा कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 32 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपको 320 हो जाएगा। ये रेशियो आ जाएगा दोस्तों आपको, ये 32 32 कट जाएगा, 1:10 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 3600 में यदि आप 450 से भगा देते हैं दोस्तों, ये आपको कितना 8 बार में लगेगा, 0 हो गया आपको यहाँ पे 8 5 40 हो गया, 8 4 32 4 36 हो गया। ठीक है, तो बोला कि ये आपको पूर्ण घन होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, ये 8 बार में काटे मतलब ये 8 आपका पूर्ण घन है। 250 से 100 से काटेंगे दोस्तों आपका कितना बार में कटेगा, आपका 36 बार में कटेगा, मतलब आपका 100 करेंगे दोस्तों आपका 36 बार में कटेगा, तो 36 आपको पूर्ण घन है नहीं, ये नहीं होगा। 300 से भी काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, ये भी पूर्ण घन नहीं, मतलब आपको 450 काटने में जो भागफल आता है क्या ये पूर्ण घन आ रहा है दोस्तों, हाँ आ रहा है, तो इसका आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, √40 का मान इतना दिया हुआ तो आपको √8/5 का मान कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऊपर नीचे आप क्या कीजिए 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपको 8 5 और नीचे कितना हो गया 25, तो और ऊपर में कितना हो गया 40 और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5 हो जाएगा। 40 का वर्गमूल दिया हुआ आपको 6.325 कितना हो गया 5 हो गया, इसको
इसको काट दीजिए दोस्तों, पच का पाँच, पाँच दस, पाँच तीस, पाँच तक पंद्रह, आपका ये 1.265 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है, यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए और इसकी चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए तो कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होगा। एल बी एच का जो रेशियो दिया हुआ कितना, 4:3:2, तो चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है तो चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 × L + B × H होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 × L + B, तो 4 + 3 × कितना हो गया, 2 हो गया, 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 7 है ना, 7 × 2 = 14 कितना हो गया आपको, 28 हो गया इसका। अब क्या बोल रहा है कि एल बी एच आगे यदि हम क्या करेंगे, लंबाई को आधा कर दिया 2 हो जाएगा, आपको चौड़ाई को क्या किया दुगना कर दिया जाए और हाइट को भी आपको आधा कर दिया 1 हो गया। यहाँ से आपको चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 2 × L + B, 6 × 2 = 8 × 1 कितना हो गया आपको, 16 हो जाएगा, ठीक है 16 हो जाएगा। अब देखिए कि पहले था 28, आप कितना हो गया 16 हो गया, तो कितना का कमी हुआ आपको, 12 का कमी हो गया, प्रतिशत में कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, 12/2 कितना हो जाएगा 28, ठीक है, गुना कितना हो गया आपको 100, अब परसेंटेज है ये हो गया 3×12 आपको 7×28, तो आपको 300/2 कितना हो गया 7 हो गया, 7×28 = 2, 7×2 = 14.86% का कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, तो किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना दोस्तों आपका, ये 60 डिग्री है, सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये 15 मीटर दूरी स्थित है, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ये लंबाई पूछा कितना है दोस्तों, ये आपको कॉस 60 डिग्री ले लिया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 15/2 आपका ये सीढ़ी की लंबाई एच मान लेते हैं, कॉस 60 डिग्री आपका कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 15/2 कितना हो गया एच हो गया, एच बराबर कितना हो गया 300 मीटर, 30 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में, तो इंग्लिश में कितना हो गया दोस्तों उत्तीर्ण आपको 80%, उसके बाद आपको मैथ में कितना हो गया 85% आपका क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया, तथा 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में हो गया, तो ये आपका बहुत हो गया कितना हो गया 75%, ये आपका क्या हो गया उत्तीर्ण हो गया, तो 40 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण निकाल लेते हैं दोस्तों, ये आपका अनुत्तीर्ण ये तो उत्तीर्ण हो गया, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया दोस्तों आपको 35, ये 20 15 कितना हो गया 35 और -25 कर दीजिए दोस्तों कितना हो गया आपको 35 में से 25 घटा देंगे 10, तो 10% बराबर कितना हो गया आपको 40 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 40/10 × 100, ठीक है ये 0 0 कर दीजिए आपका आंसर कितना हो जाएगा आपको 400 हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए शुरू करके यदि वे दोनों दिन एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो पूरा एक दिन कितने दिन में हो जाएगा, तो दिन को आप एलसीएम लीजिए, 12 और 10 का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों कितना जाएगा आपको, 12 10 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, तो ए के द्वारा एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा दोस्तों 12 60/12 कितना हो गया 5 हो जाएगा, बी के द्वारा एक दिन में कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों 60/10 कितना हो गया आपको 6 हो गया, अब पहले ए करेगा फिर बी करेगा, ए करेगा फिर बी करेगा, डॉट डॉट करते जाएगा, टोटल काम आपको 60 करना है, तो ये हो गया 5 कम ए करेगा फिर 6 करेगा, तो 6×5 = 11 कम कितना दिन में करता है आपको 2 दिन में करता है, 11 कम करता है कितना दिन में है दोस्तों आपको 2 दिन में, 1 कम करेगा 2/11 दिन में, अब ये बताइए कि 60 कम से पहले 11 का पहाड़ा पढ़िए तो 55 कम तक जाएगा, ये हो गया 2/11 × 55, 11×55 हो गया आपको 10 दिन यहाँ पे हो गया, अब बचा दोस्तों ये आपको 55 कम तो खत्म हो गया, बचा कितना काम दोस्तों 5 कम, तो 5 कम कौन करेगा दोस्तों फिर ए करेगा जाके, तो ए करेगा तो ए आपका 5 कम करेगा, ए जब 5 कम करेगा तो टोटल काम कितना हो गया 60 हो गया, तो हमको 60 कम करना है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 5 कम, 1 कम इसमें जोड़ दीजिए एक दिन 11 दिन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक से जरूर कीजिएगा, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।